हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वी आर हियर एट मैग्नेट ब्रेन क्लास सिक्स टू एट के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड हियर मी अलॉन्ग विद माई थीम सो वी आर हेयर टू सर्व यू अगर आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन स्टडिंग देर आई नो हार्ड टाइम्स हैं लेकिन आप अकेले नहीं पढ़ाई कर रहे हो आपके साथ हम लोग हैं एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू विन सो ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द इलेवेंथ यूनिट का पोम ऑफ आर क्लास सेवन लिटरेचर गुलमोहर बुक जो का जिस पोम का नाम है हार्ट वुड एंड नाउ दिस पोम वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन समरी उसके मैसेज एंड पोएटिक डिवाइसेस इन प्रीवियस वीडियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कौन है इस पूरी पोम को किसने नरेट किया है एक ट्री ने और किसको हम एड्रेस कर रहे हैं एक वुड कटर को सो so आंसर हम क्या लिखेंगे द स्पीकर ऑफ द ऑफ दिस पोम इज अ ट्री द ट्री इज अ वुड कटर हु कम टू कट डाउन द ट्री ट्री किसको एड्रेस कर रहा है एक वुड कटर को जो उसको काटने के लिए आया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ओपन हार्टेड मीन्स काइंड एंड ऑनेस्ट रीड द थर्ड लाइन ऑफ द पोम वट वॉट द वर्ड मीन इन दिस कॉन्टेक्सट अब यूजली ओपन हार्टेड हम बोलते हैं जिसका बहुत बड़ा दिल हो जो उदार हो जो काइंड हो लेकिन जो थर्ड स्टैंडा में जो हमने थर्ड लाइन जो है पोम की उसमें उन्होंने जब ये यूज़ किया है क्या तुम तो मुझे ओपन हार्टेड छोड़ दोगे तो यहाँ ओपन हार्टिड का मतलब क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट दर्ड ओपन हार्टेड मीन्स वर्ट एंड ओपन टू पेन एंड डैमेज क्योंकि जब वो उसे काटेगा तो उसका वो नीचे का जो सिर्फ छोटा सा तना बचेगा तो वो उसके लिए बोलते हैं क्या तुम तो मुझे एकदम दर्द में पेन में एकदम हर्ट डिस्ट्रॉय करके छोड़ दोगे डैमेज करके छोड़ दोगे तो यहाँ ओपन हार्टेड का मतलब क्या है वेड मतलब चोट पहुंचा हुआ हर्ट एंड ओपन टू पेन एंड डैमेज नेक्स्ट है पुट हियर टू माई बाग कटर वो बोलता है कि मेरे बाग में अपना कान रखो सुनो वाट इज द स्पीकर आस्क द कटर दिस इज सी यू टी टी ई आर आज द कटर टू पुट हिज ईयर टू द बाघ वो क्यों बोल जाए वो क्यों उस कटर से बोल है अपने बाग में कान जग, मतलब उसके बाग पे कान रख के सुनने का द स्पीकर आस्क द कटर टू पुट हिज ईयर टू द बाग सो दैट ही कैन ट्राई टू हियर द सॉफ्ट साउंड ऑफ द सैप फ्लोइंग इन द ट्री सो द स्पीकर आस्क द कटर वो कटर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम आओ और अपने कान लगाओ मेरे बाग पे सुनो क्या सुनाना चाहता है वो कि वो जिंदा है क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है जो सैप है जो फ्लो कर रहा है वो उसकी आवाज़ सुनाना चाहता है द स्पीकर आस्क द कटर टू पुट हिज ईयर टू द बाघ सो दैट ही कैन ट्राई टू हियर द सॉफ्ट साउंड ऑफ द सैप फ्लोइंग इन साइड द ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज वट एल्स डज द स्पीकर रिक्वेस्ट द कटर टू डू जो वो है वो कटर से और क्या रिक्वेस्ट कराए करने के लिए द स्पीकर ऑल्सो रिक्वेस्ट द कटर टू लिसन टू द फ्लटर ऑफ द ट्रीज लीवस एंड ट्राई टू इमेजिन द हार्ट बीट ऑफ द ट्री तो यहाँ पे वो उससे एक और रिक्वेस्ट ये कह रहा है कि जो मेरी पत्तियों की सरसराहट है फ्लटर कर दिए जो मेरी पत्तियाँ ट्रेम्बल कर दिए डर के मारे उसको सुनने की कोशिश करो एंड ट्राई टू इमेजिन माई हार्ट बीट ट्राई टू इमेजिन द हार्ट बीट ऑफ द ट्री मतलब मेरा दिल जो है केयर है मतलब बहुत ज़्यादा स्केयड है और फियर के कारण इतनी जोर से धड़क रहा है इतना ज़्यादा एंशियस हो रहा है उस चीज़ को तुम समझने की कोशिश करो तो आंसर क्या हो जाएगा द स्पीकर ऑल्सो रिक्वेस्ट द कटर टू लिसन टू द फ्लटर ऑफ द ट्रीज लीव्स एंड ट्राई टू इमेजिन द हार्ट बीट ऑफ द ट्री नेक्स्ट है विच अदर क्वेश्चन डज द स्पीकर आस्क राइट आफ्टर दिस इन द थर्ड स्टेंसा सो so, इस थर्ड स्टैंडा के बाद तुरंत वो एक और क्वेश्चन करता है स्पीकर जो है वुड कटर से वो क्या क्वेश्चन करता है इन द थर्ड स्टैंडा द स्पीकर आज द कटर कटअर ही क्या वो एक जिंदा ट्री को टिम्बर में कन्वर्ट कर देगा इफ ही वुड रिड्यूस द ट्री टू अ हीप ऑफ लॉक्स एंड अ पाइल ऑफ ब्रैश तो ये क्वेश्चन करता है वो कि द स्पीकर आज द कटअ वेदर ही ट्री Into timber, if he would reduce the tree to a heap of logs and a pile of brush. Next है, the speaker compares herself to places. मतलब जो स्पीकर है यहाँ पे अपने आप को कंट्री से, अपने आप को सिटी से, अलग-अलग प्लेसेस से कंपेयर कर रहा है. Name the three places the speaker identifies with. Explain why she identifies with him. विद देम मतलब हमें यहाँ पे ये यह बताना है कि ट्री अपने आप को कौन कौन से प्लेसेस से कंपेयर कर रहा है आइडेंटिफाई कर रहा है और क्यों कर रहा है इन द फोर्थ एंड फिफ्थ फिफ्थाज द स्पीकर कॉल्स हर सेल्फ अ वर्ल्ड अ सिटी ऑफ बटरफ्लाइज एंड अ कंट्री ऑफ क्रिएचर्स सो थर्ड स्टैंड फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडा में स्पीकर अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है अ वर्ल्ड अ सिटी ऑफ बटरफ्लाइज एंड अ कंट्री ऑफ क्रिएचर्स she calls herself a world because as a big and strong tree with her fruits flowers leaves branches and different creatures that live in the tree and depends on her दे शी इज़ अ वर्ल्ड इन हर सेल्फ क्यों अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो ट्री अपने आप को वर्ल्ड से क्यों कंपेयर कर रहा है क्योंकि वो एक जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग ट्री है उसके साथ उसमें इतने सारे फ्रूट्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं लीव्स होते हैं ब्रांचेस होते हैं इतने अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स बर्ड्स इतने डिफरेंट क्रिएचर्स उसमें रहते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ टोटल बिग वर्ल्ड इन हर सेल्फ वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है She is a city of butterflies. अब उसको butterflies का city क्यों कहा गया है As many butterflies must be visiting her, living near or in the tree. क्योंकि बहुत सारी butterflies उसको visit करने आती होगी उसके आस पास रहती होगी हो या उस tree में रहती होगी शीज अ कंट्री ऑफ क्रिएटर्स एज डिट की चाहे वो इंसेक्ट uh, हों चाहे वो बर्ड्स हों चाहे रेप्टाइल्स हों डिफरेंट टाइप के जो क्रिएटर्स हैं वो या तो उसकी ब्रांचेस में रहते हैं या रूट्स में रहते हैं जैसे कि बर्ड्स क्वेल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स इसीलिए वो अपने आप में कंट्री ऑफ क्रिएचर्स है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड दिक्कत एंसर हाउ डज द स्पीकर शो हर सेल्फ टू बी बोथ माइटी एंड वलनरेबल ओपन टू अटैक और हार्म एट द सेम टाइम तो यहाँ वो बोल रहे हैं स्पीकर अपने आप को सिक्स टेंजा में माइटी पावरफुल भी बता रहे हैं एट द सेम टाइम वलनरेबल वीक भी बता रहे हैं इन दिस सिक्स टेंजा द ट्री सेज दैट हा वर्ल्ड टेक्स ईयर्स टू ग्रो एंड सेकेंड्स टू डिस्ट्रॉय तो वो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो ट्री बता रहा है कि उसकी एक प्लांट को ट्री बनने में सालों लग जाते हैं लेकिन में उसको आप काट सकते हो। सो द ट्री इज माइटी बिकॉज शी हैज ग्रोन बिग एंड स्ट्रोंग ओवर दस अब ट्री जो है वो अपने आप को माइटी बोल रही है क्यों क्योंकि वो सालों में बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है एट द सेम टाइम शी इज वल्नरेबल लेकिन एट द सेम टाइम वो वल्नरेबल है एज इन स्पाइट ऑफ अर साइज एंड स्ट्रेंथ और डाउन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम तो बेसिक इसका आंसर यह है ट्री अपने आप को माइटी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है उसमें इतने सारे क्रिएटर्स रह सकते हैं वो इतने सारे लोगों को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है बट एट द सेम टाइम वो वलनरेबल है क्यों क्योंकि एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहे वो सौ हो या एक्स so, होटा जा सकता है एंड दैट इज वाई इट इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वेलनरेबल डू यू हेयर दिज वर्ड आई अटल वाई डि स्पीकर आज दिस क्वेश्चन वाई इज इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है कि जो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रही है मेरी आवाज वो वुड कटर से पूछता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है The speaker asks this question because she is not sure whether she has been able to communicate her thoughts and worries to the cutter. अब ये जो हमारे जो ट्री है वो ये क्वेश्चन इसीलिए कर रही है क्यों क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी जो बातें हैं उसका जो कंसर्न है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो वुड कटर तक पहुंची है या नहीं पहुंची है वुड कटर समझ पाया है या नहीं समझ पाया है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेदर द कटर कैन और कैन नॉट हीयर द क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि वुड कटर को वो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है बिकॉज ओनली इफ ही हेयर्स वॉट द ट्री हैज़ टू से कैन ही डिसाइड टू नॉट कट इट डाउन क्योंकि अगर वुड कटर उसकी बात उसके उस क्वेश्चन को सुन सकता है सिर्फ तभी वो ये डिसीजन ले सकता है कि उसको उस ट्री को काटना है या नहीं काटना है क्योंकि अगर उसको उसकी बात नहीं सुनाई दे रही है तो फिर तो वो कुछ अपना जो काटने के लिए आया है काटेगा और चला जाएगा और ट्री की इतनी सारी बातें करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसीलिए वो पूछ रहा है कि क्या तुम तो मेरी बात सुन पा रहे हो क्या तुम तो मेरी रिक्वेस्ट को समझ पा रहे हो नेक्स्ट है हाउ कैन द लिसनर हियर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वुड ही हैव टू लिसन वेरी केयरफुली और वुड ही नीड समथिंग एल्स अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो वुड कटर है क्या वाकई उसको पेड़ की आवाज़ आ सकती है पेड़ को तो हमने यहाँ पर सोनीफाई किया है क्या उसको वाकई इसकी आवाज़ आ सकती है टू रियली हियर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसर्स एंड फीयर्स ऑफ द स्पीकर द कटर नीड्स पेशेंस काइंडनेस एंड इमेजिनेशन उसको उसकी आवाज़ ऐसे नहीं आएगी लेकिन उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए जो वुड कटर है उसके पास पेशेंस होना चाहिए काइंडनेस होनी चाहिए और इमेजिनेशन होना चाहिए

न ही रियलाइज द ट्री इज से ट्री क्या कहना चाहता है ट्री और तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि उसे ट्री को नहीं काटना है ट्री स्पीक वो ट्री को बोलते हुए नहीं सुन सकता वो सिर्फ अगर उसके अंदर पेशेंस है काइंडनेस और इमेजिनेशन है तो वो इन चीजों को इमेजिन कर सकता है लेकिन वो ट्री की आवाज नहीं सुन सकता नेक्स्ट है लुक एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्टवर्ड दैन रीड द पोम डज द पोम सजेस्ट एनी अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड हाउ वुड दैट मीनिंग भी सिमिलर टू और डिफरेंट फ्राम द यूजअल मीनिंग ऑफ द वर्ड तो अगर हम इसका नॉर्मल हार्डवुड का मीनिंग देखें तो येस यू नो द पोम सजेस्ट अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्डवुड द वेरी हार्ट ऑफ लाइफ सेंटर ऑफ द ट्री यहाँ पे हार्डवुड का मतलब क्या है द वेरी हार्ट द लाइफ सेंटर ऑफ आर ट्री This meaning is similar to the usual meaning as both these meanings refer to the inner part of the tree. अब ये जो है ये usual meaning से compare कर सकते हो आप इसको ये similar है क्योंकि दोनों का मतलब क्या है the inner part of the tree. It is different from the usual meaning as it suggests that the tree actually has a beating heart and not just a hard dense inside. अब ये जो है usual meaning से थोड़ा different है क्यों? क्योंकि यहाँ आप पे वो बता रहा है कि tree के अंदर literally एक heart है जबकि के अंदर हार्ट नहीं होता इट इज जस्ट अ डेंस बार्क एक जो होता एक dense heart, dense रहता है लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं कि नहीं उसके अंदर भी एक दिल है जो धड़क रहा है ओके नाउ रीड द लास्ट line, लास्ट बट वन लाइन ऑफ द पोअर मतलब लास्ट सेकेंड लाइन हाउ कैन द कटर अब वो बोल रहा है कि क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है सो इफ द कटर हैज काइंड एंड बेग हार्ट देन ही माइट है If he is sensitive and patient and soft hearted, he might see the cruelty in cutting down the tree and decide to not fell it, thus, showing that he has heartwood like the tree. तो यहाँ पे कटर क्या होता है यहाँ पे हमने जो लास्ट लाइन जो हार्ट वुड है उसका मतलब जो है पत्थर दिल नहीं बोला है हमने उसको यहाँ पूछा है कि क्या तुम्हारे पास भी एक हार्ट वुड है क्या तुम्हारे पास भी एक काइंड और एक पेशेंट और सॉफ्ट हार्टेड दिल है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वैसा दिल है तो तुम ये क्रुअलिटी शो नहीं करोगे तुम इस ट्री को नहीं काटोगे एंड तुम इसको नहीं गिराओगे दस शोइंग दैट उसके पास भी वुड है नेक्स्ट इज द स्पीकर आइडेंटिफाइज हर सेल्फ एज एट कैरेक्टर्स व्हाट आर दिस एट कैरेक्टर्स तो स्पीकर जो है अपने आपको एट कैरेक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स बताया उसने अलग अलग स्टैंड में सो द स्पीकर कॉल्स हर सेल्फ अ मेकर ऑफ लाइफ दिस इज बिकॉज द ट्रीज आर बेनिफिशियल टू लाइफ टू ऑफ दिस कैरेक्टर्स मैंशन स्टैंड नीड टू बी इमेजिनेटेड रादर देन ऑब्जर्वड वन ऑफ दम इस टाइम कीपर वॉट इज दी अदर वाई डज द स्पीकर कॉल हर सेल्फ बाई दीज नेम्स तो अब जो स्पीकर है अपने आप को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपने आप को बोला है मेकर ऑफ लाइफ टाइम कीपर तो ऐसा ही एक और है और हमें ये बताना है कि ट्री ने अपने आप को अलग, अलग अलग नाम से क्यों बुलाया है द स्पीकर कॉल्स हर सेल्फ अ मेकर ऑफ लाइफ दिस इज बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिशियल टू लाइफ इसलिए उसने बोला दूसरा है ट्रीज अट्रैक्ट रेनफॉल एंड रूट्स हेल्प टू ब्रेक डाउन बिग रॉक्स रूट ऑफ ट्रीज हेल्प दिन वॉटर अस्टर ऑफ शेड बिकॉज उसके बाद उसने उसको क्या कहा है अस्टर ऑफ शेड बिकॉज द ट्री प्रोवाइड शेड एंड ईटर ऑफ सन बिकॉज ट्रीज नीड सनलाइट टू ग्रो शी इज ब्रेथ गिवर ब्रेथ गिवर क्यों बोला है क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन अपार्ट फ्रॉम टाइम कीपर द अदर कैरेक्टर मैंशनड इन स्टेंस ऑफ फाइफ दैट नीड्स टू इमेजंडर दैन ऑब्जर्व इस डीप थिंकर इसे डीप थिंकर क्यों कहा गया है द स्पीकर कॉल्स हर सेल्फ अ टाइम कीपर क्यों क्योंकि एक जो पुराना ट्री है वो जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबको विटनेस करता है वो एक टाइम का रिकॉर्ड रखता है इसलिए कहा गया वॉच एंड थिंक अबाउट एन एंड अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स वो साइलेंटली हर चीज को देखती है समझती है और वो अंडरस्टैंड करती है बहुत सारी चीजों को राइट right? नेक्स्ट है आई एम अ वर्ल्ड कटर वो अपने को आई एम अना दिस इज अटाफोर एज ए डरेक्ट इन डी compares वन थिंग टू अनदर यहाँ पे वो बोल रहा है आई एम अ वर्ल्ड मतलब वो अपने आप को एक बड़े से वर्ल्ड जितने से कंपेयर कर रहा है ऐसे हमको और भी मेटाफोर्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं Two metaphors mentioned in the fifth stanza of the poem are I am a city of butterflies and a country of creatures. I am a city of butterflies and a country of creatures. These are all metaphors in this poem. Now read the last line of the poem. From a speech addressed to one person, this line raises the poem to a different. मोर यूनिवर्सल लेवल हाउ डज इट डू दैट तो अभी तक वो वुड कटर से बात कर रहा था लास्ट लाइन में उसने बोला जिसने तुम्हें भेजा है क्या उसका भी हार्ट वुड है तब टिल द लास्ट लाइन द पोम रीड लाइक अ स्पीच एंड अड्रेस बाय द स्पीकर टू अगल पर्सन जो की कौन है कटर

Or a heart. This reminds us that often woodcutters are sent by other people to cut down trees for wood or to clear an area. और हमें पता है वुड कटर जो होते हैं उनको लोग भेजते हैं उनको या तो क्लियरिंग करनी होती है फॉरेस्ट के एरिया की उनको खाली करना होता है वहाँ कोई बिल्डिंग बनानी होती है या उनको पेड़ में मतलब लकड़ियाँ चाहिए होती हैं तो उनको किसी ना किसी ने भेजा है तो वो अब यहाँ पे यूनिवर्सली बोल रहा है सो द डिसीजन टू फेल ट्रीज में नॉट लाइव विद द वुड कटर सो वुड कटर तो सिर्फ एक काम करता है जिसका उसे पैसा मिलेगा लेकिन डिसीजन ये कि इस पूरे पेड़ों को काट दो ये वुड कटर का नहीं है बट विद अदर्स हु डू नॉट कम देम सेल्स टू कट डाउन द ट्रीज लेकिन दूसरे लोग ये डिसीजन ले रहे हैं जो खुद नहीं आते हैं पेड़ काटने के लिए बट हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलिंग लेकिन वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेड़ को काटने के लिए दीज डिसन फॉर वेरियस रीजन्स अब ये जो डिसीजन हैं ये अलग अलग रीजन्स के लिए लिए जाते हैं इन फैक्ट मेनी ऑफ अस मे यूज प्रोडक्ट्स डेट रिक्वायर द फेलिंग ऑफ ट्रीज विदाउट ईवन बींग अवेयर ऑफ इट मतलब हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता ट्रीज कट क्यों रहे हैं दस द स्पीकर अपील इज़ अ यूनिवर्सल अपील टू एवरी वन हु इन समी अदर वे एनकरेजेस सपोर्ट्स और एक्सेप्ट फीलिंग ऑफ ट्रीज तो यहाँ स्पीकर जो है सिर्फ वुड कटर से नहीं बात कर रहा यहाँ पे स्पीकर जो है वो पूरे जनरली हर किसी से बात कर रहा है जिन्हें पता है कि वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व इन ट्रीज को काटने में बट दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग टू सेव दीज पिलर्स ऑफ आर सोसाइटी पिलर्स ऑफ आर नेचर दैट इज दीज ट्रीज ओके एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर द क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर हर जगह आपको एक ही चीज़ समझनी है ट्री बात कर रहा है वुड कटर्स से बात कर रहा है और लास्ट में वो जनरली बात कर रहा है कि इट इट रियली इंपॉर्टेंट टू कट ट्रीज एंड नो इट इज़ नॉट वी कैन हैव ऑप्शन रादर देन जस्ट किलिंग ऑल द ट्रीज अराउंड अस ओके एंड ऑल दीज वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको ये सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट में जो की है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है जैसे आप क्लास पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करो टॉपिक सेलेक्ट करो एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा नाउ दिस इज़ वेरी इजी रादर देन फाइंडिंग इट ऑन यूट्यूब जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे एक टॉपअप प्ले लिस्ट बनी हुई है इधर पे जहाँ पे आपको एक के बाद एक वीडियो ईजिली मिल जाएंगे सो स्टे यून स्टे कनेक्टेड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक यूनिट ट्वेल्व द प्ले सो एल सी यू देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वंस अगेन बाय